नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देहात कोतवाली व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर संयुक्त पुलिस टीम ने विजय कॉलोनी मल्लीपुरा रोड पर मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट के मोबाइल, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ही शातिर किस्म के अभियुक्त हैं, जिन्होंने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं इनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल, नकदी और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कोतवाली देहात और एसओजी की संयुक्त टीम ने दो शातिर लुटेरे पकड़े हैं और इनसे एक जो लूट की घटना इन्होंने कोतवाली देहात में 9 फरवरी को की थी। एक साक्षी शर्मा नामक महिला से इन्होंने मोबाइल छीना था जब अपने घर के बाहर टहल रही थी, तो उनसे वो लूट का मोबाइल बरामद हुआ है और जो घटना में मोटरसाइकिल प्रयुक्त किए थे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लड़के नए हैं, पहला अपराध बता रहे हैं, लेकिन अभी इनसे और पूछताछ हो रही है। इन्होंने और भी इस तरह की लूट की वारदातें की होगी, बरामदगी के आधार पर इनको जेल भेजा जाएगा। महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर की प्रथम व द्वितीय इकाई के द्वारा चरहटी जनता रोड सहारनपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम व द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय शिविर का प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिनकर मलिक और डॉक्टर पूनम यादव विनय शर्मा ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के सम्मुख और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वह पुष्प अर्पित कर किया। इसके पश्चात सभी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पूनम यादव के निर्देशन में स्वयं सेविकाओं को विभिन्न ग्रुपों में जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सीता माता, जीजाबाई, दुर्गावती में विभाजित किया गया। उन्होंने बताया कि हमें समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिए स्वयं में इच्छा जागरूक करनी होगी। स्वयं सेवकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन गरिमा ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में समाज सेवी आयुष वालिया, सचिन वर्मा, वरुण राय, आनंद सैनी आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज हम एक 7 दिवसीय NSS का शिविर प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन समारोह किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र कॉलेज की प्रथम द्वितीय इकाई का शिविर है। इस शिविर में प्रथम इकाई के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पूनम यादव और जो सेकंड यूनिट है उसका प्रोग्राम ऑफिसर मैं डॉक्टर दिनकर मलिक हूँ। तो इस शिविर का आज उद्घाटन सत्र हमने किया, जिसके अंतर्गत आज हमने बच्चों को विभिन्न टोलियों में विभाजित किया गया। अभी विभिन्न टोलियां आने वाले जो बाकी बचे हुए 6 दिन हैं उनमें गाँव में डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगी और वहाँ पर विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम करेगी, जैसे साक्षरता अभियान चलाना है या उनके बारे में उनकी जो भी क्षेत्र की समस्या उनके बारे में जानकारी लानी है उसके अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम करेंगे। इसी इन्हीं विभिन्न विभिन्न विषयों पर हम वक्ताओं को यहाँ पर बुलाते हैं और वो वक्ता अपने जैसे रक्तदान के बारे में हो गई या कोविड के बारे में हम बुलाएंगे, मिशन शक्ति अभियान चला जाता है, इन सब के बारे में प्रतिदिन किसी न किसी भी क्षेत्र से हम किसी वक्ता को बुलाएंगे जो इन बच्चों को जानकारी देगी। यहाँ पर बच्चों को बड़े अनुशासन में सब कार्यक्रम करना सिखाया जाता है। सहारनपुर के नवनियुक्त एसपी सिटी राजेश कुमार का पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सहारनपुर आगमन पर स्वागत किया। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों के द्वारा नवनियुक्त एसपी सिटी राजेश कुमार का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन और व्यापारियों का आपस में तालमेल बना रहे। वहीं नवनियुक्त एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा कि व्यापारियों के द्वारा हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग किया गया है और हम सब सहारनपुर सिटी में मिलकर छोटी से छोटी समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका समाधान निकालेंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल त्यागी, शैलेंद्र भूषण, राजकुमार, आदित्य राठी, संदीप सैनी, अमित मदान, सुशील काम्बोज आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना जनकपुरी की टीपी नगर चौकी के सामने आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विशाल शिव कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर थाना जनकपुरी ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के समीप आगामी पर्व महाशिवरात्रि को लेकर विशाल शिव कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 4 मार्च से 11 मार्च तक जारी रहेगा, जिसे आज 7 दिन हो चुके हैं। कावड़ शिविर में आयोजकों के द्वारा शिव भक्तों के लिए खाने पीने और फल दवाई आदि की व्यवस्था की गई है। यहां पर मसाज मशीन भी लगाई गई है। वहीं शिविर आयोजकों के द्वारा अपने गंतव्य गौरव बढ़ रहे शिव भक्त कावड़ी को फलों का वितरण भी किया गया।
आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।